एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए सर। सर मरने वाले का नाम रुपेन है, जो एक बहुत बड़े लॉन्ड्री चेन वी फ्रेश का मालिक है। यहाँ पे आया कैसे था ये? सर गाड़ी से आया था, ये उसकी गाड़ी। और सर यहाँ पे लोगों ने बताया कि दो बाइकर्स ने यहाँ पर शूट आउट किया था। और सर यहाँ पे बॉडी पे इतने बुलेट्स लगे हैं सर, और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे भी एम्प्टी शेल्स हैं सर। सर ये एक प्रॉपर शूट आउट है सर। सर 0.9 mm की बुलेट है, ये तो प्रोफेशनल शूटर्स ही यूज करते हैं। सर वो बलराज रुपेन इन्हीं से मिलने आया था। कैसे हुआ था ये सब? सर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। रुपेन ने मुझे फोन कर यहाँ जल्दी आने के लिए बोला था। उसकी आवाज से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे अपने केबिन में बैठने के लिए बोला और यहाँ आकर देखता हूँ तो ये सब। आपने पूछा नहीं उसे कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, परेशान क्यों है? सर रुपेन ने मुझे फोन पर बताया कि उसे 50 लाख रुपए की बहुत अर्जेंटली जरूरत है। रुपेन मेरा करीबी दोस्त था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसे इतने सारे पैसों की क्यों जरूरत पड़ी। सर ये सुनीता जी है रुपेन की वाइफ, और साथ में डीनो है रुपेन का भाई। नहीं नहीं प्लीज, एक मिनट ये रुकिए आप। रुपेन! मैम प्लीज आप संभालिए अपने आप को। जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अफसोस है, लेकिन अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, इसलिए आप लोग अभी जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। मुझे देखना, इनको लेके जाओ। मुझे देखना भाभी, भाभी प्लीज ले जाइए प्लीज। एक बार देखना। नीता जी अब कैसी हैं? अभी ठीक है। हम उनसे बात कर सकते हैं? जी। रुपेन सर के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आप? सर ये यश है, हमारी लॉन्ड्री के मैनेजर। आप प्लीज सर सुनीता जी को बुला देंगे? जी। यश जी, ये रुपेन कैसे आदमी थे? मेरा मतलब है उनका बर्ताव, स्वभाव लोगों के साथ। लॉन्ड्री में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। आखिरी बार आप रुपेन से कब मिले थे? सर कल शाम को हम लोग साथ में ही थे, उनका कोई फोन आ गया और वो चले गए। माफ कीजिएगा इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, पर हमें आपकी मदद चाहिए रुपेन के खूनी तक पहुंचने के लिए। जी जी पूछिए। रुपेन कुछ दबाव में थे क्या, किसी चीज को लेके परेशान हो? कुछ नोटिस किया उनके बिहेवियर पैटर्न में, कोई अजीब बात, कुछ अटपटा सा? मैं जानती थी कि एक दिन ये जरूर होगा। ये बहुत ज्यादा टेंशन में थे और देखिए सुनीता जी, आप परेशान मत होइए, अब डरने की कोई बात नहीं है। आप साफ साफ बताइए ये पूरा मामला है क्या? एक्चुअली इन्हें काफी दिनों से किसी प्राइवेट नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे थे, और ऐसे ही कॉल्स दिनों के नंबर पे भी आ रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो लोग। 5 करोड़ मांग रहे थे। उसने अपना नाम कट्टा किशोर बताया था। सर ये वही है ना गैंगस्टर? हाँ वही गैंगस्टर है, खुद को क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कहता है। इसीलिए रुपेन बल्ला से 50 लाख रुपए मांग रहा था कट्टा को देने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दीनू। मैं क्या करता भाभी, हम तो बस अपना बिजनेस चला रहे थे, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि भैया के साथ ऐसा कुछ हो सकता है।
सर, मैं और रुपेन भैया तो एक वी फ्रेश नाम की लॉन्ड्री चला रहे थे। हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था सर। इनफैक्ट रुपेन भैया तो बिजनेस पर्सनैलिटी बन चुके थे। कई बिजनेस वीक एंड मैगजीन्स ने रुपेन भैया और उनके बिजनेस में इतना जल्दी तरक्की करने पर स्टोरी भी लिखी थी। रुपेन की सक्सेस स्टोरी गलत लोगों ने पढ़ ली। कमाल है, आजकल ये गैंगस्टर्स भी बिजनेस मैगजीन पढ़ने लगे। कट्टा की कुंडली निकालते हैं। कुछ मिला? हाँ सर। हाँ, ये देखिए सर, कट्टा किशोर बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है सर इसके। ज्यादातर इंडिया के बाहर से ऑपरेट करता है, एक जगह पे कभी नहीं ठहरता। दो नंबर के धंधों का टिक्का है। सैकड़ों केसेस रजिस्टर्ड है सर इसके खिलाफ, पर आज तक पुलिस कभी इसे अरेस्ट नहीं कर पाई। वहां पे बैठे बैठे सबको अपने इशारे पे नचाता रहता है, जब जो चाहे हासिल कर लेता है। सर, ये कट्टा किशोर स्मगलिंग, गैम्बलिंग और ड्रग्स के काम में इन्वॉल्व था, ये एक्सटॉर्शन के धंधे में कब से एक्टिव हो गया? पूर्वी, इन क्रिमिनल्स का कोई पेटेंट नहीं होता कि वो एक ही तरह का क्राइम करेगा। कुछ लेना देना नहीं है उन्हें। सर, आप रेडी? क्या हुआ, रुपेन के कॉल चेक किए? हाँ सर, रुपेन को जो प्राइवेट नंबर से कॉल आए थे वो वीपीएन और इंटरनेट के जरिए किए गए थे। सर, ये एक प्रॉब्लम है सर, वीपीएन और इंटरनेट कॉल्स हम ट्रेस नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ये कट्टा किशोर एक नंबर का पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, इतनी आसानी से कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। दया, लगता है हमें इस लॉन्ड्री के बिजनेस के तह तक पहुंचना होगा, तभी पता चलेगा ये सारा चल क्या रहा है। यार, कहाँ है ये तुम्हारा लॉन्ड्री? सर, शहर के बाहर है। शहर से बाहर? तुम लोगों ने ये लॉन्ड्री शहर से बाहर इतनी दूर क्यों रखा है? सर, रुपेन का ये डिसीजन था कि लॉन्ड्री शहर के बाहर हो, क्योंकि वहाँ पर हमें सारी चीज़ें कम दाम पर मिलती हैं, जैसे चीप लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, परमिट्स, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो, क्या सर, हमारी लॉन्ड्री पे अटैक हुआ है। आइए सर। ये क्या हुआ, क्या यहाँ पे? सर, जब सुबह मैं यहाँ पर आया तो मैंने गेट पर देखा कि गार्ड बुरी तरह जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो मुझे पता चला कि बाइक के ऊपर दो आदमी आए थे, उन्होंने उसे मार गिराया और चाबी लेकर चले गए। ये जरूर वही बाइकर्स होंगे जिन्होंने रुपेन को मारा है। इतने सारे ये सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे, ऐसी क्या खास चीज थी जिसकी रखवाली के लिए इतने कैमरास लगे यहाँ पे? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, ये सारे कैमरे रुपेन ने लगवाए थे। रिकॉर्डिंग चेक कर, देखो कुछ पता चलता है क्या। ऐसी क्या चीज हो सकती है इस लॉन्ड्री में जिसके लिए इतने सारे कैमरास लगे यहाँ पे? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वही जो लॉन्ड्री के कपड़े आते हैं।
सर, सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव गायब है, शायद बाइकर्स ने चुराया होगा। और ये लॉन्ड्री में कोई नहीं है, स्टाफ कहाँ है आपका? वो सर, रुपेन सर की मौत के बाद हमने वर्कर्स को छुट्टी दी है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ड्री में जितने भी रजिस्टर हैं, आपके ये जो डिलीवरी के स्लिप्स होते हैं, अकाउंट, सब लेके आओ जल्दी। जी सर, ये लीजिए रजिस्टर्स। ओहो, इस अकाउंट बुक के हिसाब से रुपेन और दीनो के ईयरली प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए है और पिछले साल थी 2 करोड़ और उसके पहले साल 1.5 करोड़। कुछ समझ में नहीं आया। 5 करोड़ मांग रहे थे। इस कट्टा किशोर ने एक्सटॉर्शन में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे मांग ली? इनकी ईयरली जो प्रॉफिट है उससे 2 गुना ज्यादा। तुम दोनों हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? हाँ नहीं सर, आखिरी चांस है, दोबारा मौका नहीं दूंगा। नहीं सर, मैं क्यों छुपाऊंगा, मैं तो बस खुद ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भाई की खूनी का पता लगाएं। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। रेडी पंकज, यहाँ पे जितने भी एविडेंस है सब उठा लो, ये केमिकल की बॉटल्स भी, और फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, मैंने रुपेन और दीनों के लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में पता किया है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है सर। वी फ्रेश लॉन्ड्री का कई सारे 3-स्टार होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हरी स्टार होटल, स्टार एच होटल और लियोनेल होटल। यहाँ पर ये ऑल्टरनेट डेज पे कपड़े डिलीवर करते हैं और साफ कपड़े छोड़ जाते हैं। पर सर, ये दो होटल्स, ए स्टार होटल और मैकटी होटल, यहाँ पर ये हफ्ते में 2 बार डिलीवरी देते हैं, जबकि इन दोनों होटल्स का बिजनेस इन होटल से काफी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है? केमिकल का क्या हुआ, पता लगाया? वही बताने तो आया हूँ। तो बता ना। डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन। डाइक्लोरोमिथाइल। अच्छा हुआ पूरा बोलने से पहले मैंने अपने आप को रोक लिया, अगर पूरा बोल देता तो मेरी जबान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लड़खड़ाने लगती। अच्छा, डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन के बच्चे बताएगा, यह है क्या? बहुत वोलेटाइल है। क्या बोला? केमिकल, इसीलिए हर चीज में आसानी से घुल जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में होता है, लेकिन बॉस लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इसका कोई लेना देना नहीं। कपड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका। दया, अगर ये केमिकल कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल नहीं होता तो फिर ये केमिकल इस लॉन्ड्री में कैसे है? ये तो सर अभी इन होटल्स में जाने के बाद ही पता चलेगा। जरा सोचो दया, इन बाकी के होटलों में रुपेन और दिनों की लॉन्ड्री की वैन हफ्ते में हर दूसरे दिन कपड़े ले जाने के लिए आती है, लेकिन इन दो होटलों में हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस रुपेन के खून का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस ए स्टार होटल और मैकटी होटल के साथ। एक्सक्यूज मी मैम, हमें इस होटल के मैनेजर से बात करनी है। जी सर, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। मैम, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। क्या बता सकती हैं कि वी फ्रेश लॉन्ड्री के यहाँ से आपके होटल में हफ्ते में सिर्फ 2 बार कपड़ों की डिलीवरी होती है, क्यों? वी फ्रेश लॉन्ड्री? सर आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैडम, हमें सब पता है, आपके होटल का वी फ्रेश लॉन्ड्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सर मुझे लगता है आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। गलत इन्फॉर्मेशन मतलब? हाँ, हमारे होटल की खुद की लॉन्ड्री है तो हम बाहर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, और हमारी लॉन्ड्री का सारा काम हमारा इंटरनल स्टाफ संभालता है। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ, हमारे यहाँ बाहर से ना कोई कपड़ा आता है और ना जाता है। अच्छा, अगर इस होटल में कपड़े आते जाते नहीं है
तो वी फ्रेश लॉन्ड्री की वो वैन जाती कहाँ? सर ये हमारे ड्राइवर्स है जो लॉन्ड्री की सारी सप्लाई करते हैं। सर ये ड्राइवर्स की लिस्ट है, कौन सा ड्राइवर कब और कहाँ जाता है। ये मदन और वीरेन, आप दोनों जरा आगे आइए। जी साहब। मदन और वीरेन, तो बाकी के ड्राइवर्स तो सारे होटल्स में जाते हैं, लेकिन तुम दोनों सिर्फ ये ए स्टार और मैक्टी होटल में ही जाते हो, ऐसा क्या? साहब ये हमारा काम है, सामान लेना सामान ले जाना। अच्छा, लेकिन इस लॉन्ड्री का इन होटल्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो किस चीज की डिलीवरी करनी चाहते हो आप लोग वहां पर? हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो रुपेन सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। कैसा ऑर्डर? हम लोग लेलन के दोनों होटल में से किसी में भी ना डिलीवरी करते थे ना पिकअप लेते थे। पर सर उसके पास के वेयर हाउस के रोड से वहां से हम माल उठाते थे और डिलीवर करते थे। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ गई और साहब हमारा रोज का काम है ये, हम अपने मालिक से सवाल तो नहीं कर सकते ना साहब। अच्छा, आप लोगों को पता है कि उस वेयर हाउस के अंदर क्या होता है? हमें अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। अगर इन दोनों होटल से डीलिंग होती नहीं थी तो इसके बारे में लिखा क्यों है इसमें? सर पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं, वैसे भी हमारे पास ऐसा कोई भी वेयर हाउस नहीं था, पूरा बिजनेस रुपेन संभालता था, तो हो सकता है कि उसे पता हो। और सर होटल और वेयर हाउस से मेरा भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट संभालता हूँ। ठीक है, थैंक यू। रेडी पंकज, इस वेयर हाउस का मालिक कौन है पता करो और उसकी पूरी जानकारी निकालो। और ये दिनू और यश, इन दोनों के फोन को टैप करने का परमिशन ले लो, ये जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। और ये रुपेन की बीवी सुनीता, उसका फोन भी टैप करो। ये वेयर हाउस तो पूरा खाली है सर। सर ये जूतों के निशान देखिए सर, ये ऐसा लग रहा है कि यहां पे कोई सामान रखा हुआ था और जल्दी जल्दी में उसे हटाया गया सर। वो यहां पे आने में देर हो गई, सारा सबूत मिटा दिया उसने सर। सर ये वेयर हाउस सूर्यवन फैब्रिकेटर्स का है, कंपनी फेक है। सूर्यवन फैब्रिकेटर्स, ये नाम कहीं देखा है? कहाँ? ओह, जो कुछ भी इस लॉन्ड्री में हो रहा है उसका इस सूर्यवन फैब्रिकेटर से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुमने और तुम्हारे भाई ने क्या सोचा कि मेरे को बेवकूफ बना लोगे? तुमने कट्टा से पंगा लिया है, पंगा। और पता है इसका अंजाम क्या होगा? प्लीज कुछ दिन का तो टाइम दे दो, प्लीज। टाइम? टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। कट्टा किशोर और दिनो हमारा शक सही था, वो हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। और क्या क्या छुपा रहा था? आदर सर, सूर्यवन फैब्रिकेटर्स का पता चल गया। फैंटास्टिक। यहाँ क्या चल रहा है सर? पंकज यहाँ के फोटोग्राफ्स ले लो सर, और कुछ सैंपल्स उठा लो और फॉरेंसिक में भेज दो।
यहाँ पे भी इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और ये कैमरा सब एक तरफ सेट किया गया है। लगता है किसी ने जानबूझकर किया ये सब। वो केमिकल किसमें इस्तेमाल होता है कुछ पता चला? हाँ पता चल गया। जरा रुमाल देना। क्यों तेरे पास नहीं है? यार जो कह रहा हूँ करो ना यार, रुमाल दो ना प्लीज यार। अरे जबरदस्ती है यार, क्या करेगा अभी तू? अरे यार बड़ा सस्ता सा है, 10-20 रुपए का रुमाल हो गए। अरे वाह, रुमाल बेचने का भी धंधा करता है तू? नहीं मालूम है मुझे सब कुछ, मैं सब जानता हूँ। सब मालूम होता है। क्या कर रहा है? एक मिनट यार, देखो मैं क्या कर रहा हूं। एक मिनट। ऐसा उनके क्या बचपन है? एक मिनट, एक मिनट। ये लो बॉस, तुम्हारा 20 रुपए का रुमाल 1,00,000 रुपए का हो गया। क्या मजाक है सालू के? मजाक नहीं है यार, ये मजाक नहीं है। अच्छा, ये सब कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है दया, पॉसिबल है। ये तारिका समझाएगी तुम्हें। सर आपका ये जो रुमाल हमने इस लिक्विड में डाला था, इसमें वही वाला केमिकल है जो आपको सूर्यवान फैब्रिकेशंस के खाली बाथटब्स में से मिला था। इस लिक्विड में एक्चुअली 2 केमिकल्स का मिक्सचर है। एक है डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन जो कि बहुत सस्ता होता है, और दूसरा बहुत ही महंगा केमिकल है। ये क्या? कोकेन। व्हाट? कोकेन? उसी वजह से इस रुमाल की कीमत 1,00,000 हो गई। ठीक है अब देखो, ये लो, ये तुम्हारा 1,00,000 रुपए का जो रुमाल था वो वापस से 20 रुपए का हो गया। अब देखो, एक ये देखो बॉस, ये है कोकेन जो तुम्हारे रुमाल में से निकली है। दरअसल बॉस, सबसे पहले इस डाइक्लोरोमिथेल ऑक्सीजेल को टब में डालते हैं, फिर उसमें कोकेन मिलाया जाता है जो उसमें घुलकर एक कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, और फिर उसमें कपड़ों को मिलाया जाता है। फिर उसे सुखाकर अच्छी तरह से प्रेस करके रैक्स में रखकर होटल ए स्टार और होटल मैक टी के नजदीक वाले वेयर हाउस में भिजवा दिया जाता है। इसके बाद वहां किसी टब में किसी दूसरे केमिकल वैट को घोला जाता है। और फिर उन्हीं कपड़ों को अच्छी तरह से उसमें घोलकर निचोड़ कर निकालने के बाद उस केमिकल वैट को गर्म करके उन कपड़ों में से कोकेन निकाल लिया जाता है। मतलब कपड़े धोने की आड़ में ये लोग शहर में कोकेन ला रहे थे। कोकेन लाना मतलब बर्बादी लाना। इनकी बर्बादी तो हमारे हाथ में है। डीनो से मिलना पड़ेगा। क्यों डीनो, सब कुछ खुद ही पचाना चाहते हो या कुछ हमसे भी शेयर करोगे? ये बात क्यों छुपाई तुमने हमसे? सर मैं क्या करता,
मैं डर गया था, इसीलिए आपसे सारी बात छुपाई। लेकिन हमने तो इन्हें सब कुछ बता दिया था, वो फोन कॉल्स, 5 करोड़ रुपए। तो कोकेन वाली बात हमसे क्यों छुपाई? क्या कोकेन वाली बात? हमसे ये दोहरा खेल खेलना बंद करो, समझे? हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है जो तुमने अपने भाई के कातिल से की थी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा सब कुछ सच सच बता दो। सर, कट्टा ने हमें मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। उसे शक हो गया था कि हम उसकी कोकीन की चोरी करके खुद पैसे कमा रहे हैं, और अब तक तकरीबन 5 करोड़ का माल हम चुरा चुके थे, जिसे वो किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। ड्रग्स के पैसे वापस पाने के लिए वो धमकी देने लगा, लेकिन पैसे देने में देरी हो गई, इसलिए मरवा दिया उसने रुपये को। लेकिन हमें पता चल गया था सर कि लॉन्ड्री के बिजनेस की आड़ में हम ड्रग्स का बिजनेस भी चला सकते हैं। तो रुपेन को पैसों का नशा हो गया था, इस ड्रग्स के चक्कर में तुम लोगों को लगने लगा कि जल्द से जल्द पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तुम लोग भूल गए कि बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करना पड़ता है। ऐसी बात, कट्टा किशोर जैसा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल अपना नुकसान तो नहीं होने देगा, हा? अपने पैसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती का अंजाम मेरे भाई को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जिन्हों, ये बताओ कि इस कट्टा ने क्या कहा तुमसे, कहाँ मिलने वाला है? सर, आज रात को मुझे फोन करेगा इस बारे में। आज रात? ठीक है, तुम उससे बात करोगे, देखते हैं कट्टा कहाँ बच के जाता है। लेकिन सर, उसे पैसे देने के लिए मेरे पास है नहीं, अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे भी मार देगा। घबराओ मत, हम लोग साथ में हैं तुम्हारे। कट्टा का ही होगा, बात करो। हेलो, कल सुबह 9 बजे आर्य रोड, सारे पैसे लेके पहुंच जाना, वहां से आगे की जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे भाई के साथ किया है, जान से मार दूंगा तुझे। हाँ ठीक है। उनको शक नहीं होना चाहिए हम उनका पीछा कर रहे हैं। ये बाइक वाले कौन हैं? ये लोग, ये वही लोग होंगे। हाँ, ट्रक्कर से आ गया। बेटा कटो, गाड़ी ना स्टॉप, क्या तरीका, गाड़ी भी चलो जल्दी। ओह नो, ये कहां गायब हो गए? सर, यहां से राइट। राइट? और आगे से 200 मीटर के बाद लेफ्ट। वो रही गाड़ी।
ये बाइकर्स कहाँ गए? इसे और ठीक कर लो सर, और रोक दो उसे। अरे ए, कौन है तू? बाहर निकल, बाहर निकल। दिनों कहाँ है? और तू कौन है? साहब साहब मैं कार हायर कंपनी का ड्राइवर हूँ साहब। वो एक बाइक पर आदमी आया था साहब, उसने मुझसे कहा कि इस गाड़ी को खारगढ़ स्टेशन पे पहुंचाने को साहब। चकमा देकर निकल गया सर। दिनों गया कहाँ होगा? किधर है वो लोग? कट्टा भाई लेके आ गए उसको, वो रहा। हा? 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 ले चल, चल। चलो भाई चल। बात समझ में नहीं आ रही है, ये जीपीएस ट्रैकर हमने दिनों की इस गाड़ी में लगाया था, फिर भी उन लोगों को पता कैसे चलता है कि हम आगे क्या करने वाले? तो मतलब वो ट्रक का अचानक सामने आना, ये भी उनके प्लान का हिस्सा होगा? हाँ, मतलब ये सर, हम जो कुछ भी करने वाले थे उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। लेकिन सर, हमारे इस प्लान के बारे में तो सिर्फ हमें ही पता था। वही तो, और हमारे अलावा डीनो, ये डीनो से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है सर, डीनो ने बताया होगा किसी को। ये फोन उसका ही है ना? हाँ सर। चेक करो कल रात को उसने किस किस लोगों के साथ बात की। 9 बजे हमने उसे इस प्लान के बारे में बताया था, 9 बजे के बाद से एक ही कॉल किया है सर, 10:30 बजे। किसे? बलराज। बलराज तुम लोग कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं कट्टा किशोर के साथ काम करता हूं। मैंने ही रूपेन को कट्टा से मिलवाया था, और मैंने ही कट्टा भाई को बोला था कि रूपेन उसके कोकीन की चोरी कर रहा है। सीआईडी की भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी उसको। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। डोंट शूट मी, गन नीचे करो, गन नीचे करो। प्लान काम कर गया सर। अब बता, डीनो और कट्टा कहाँ है? वो मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने रूपेन को डबल क्रॉस किया है, सारी इन्फॉर्मेशन कट्टा को दी है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं कट्टा को मना नहीं कर सकता था। कट्टा के लिए काम करते हो और तुम्हें पता नहीं कट्टा कहाँ है, हैं? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर? सच में मुझे नहीं पता कि कट्टा डीनो को लेकर कहाँ चला गया। पट्टा और कट्टा दोनों सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात अगर तेरे समझ में आती तो अच्छा होता। तेरे भाई का गेम मैंने ही बचाया, फिर भी तेरे बात समझ में नहीं आई कि कट्टा और सत्ता हानिकारक है रे।
तुझे यहाँ पे कोई बचाने नहीं आ सकता, सीआईडी वाले भी नहीं। अरे उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि तू इस वक्त है कहाँ। मैं कट्टा को सिर्फ दो बार मिला, वो भी यहाँ इसी रेस्टोरेंट में। उसके अलावा कट्टा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। देखो सर, पंकज एक मिनट यार। जीनियस सवाल, प्लीज एक सेकंड सुनिए। कट्टा जैसा क्रिमिनल आदमी बलराज को रेस्टोरेंट में क्यों मिलने बुलाया सर? पब्लिक प्लेस में क्यों? ये कट्टा से तुम यही मिलते थे इसी रेस्टोरेंट में? हाँ सर, ये कट्टा का खास रेस्टोरेंट है। यहाँ कट्टा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, हमेशा उसके लिए एक टेबल रिजर्व रहता है। सर खास बात यह है कि कट्टा कभी भी कुछ भी ऑर्डर नहीं करता था, लेकिन यहाँ के वेटर को पता होता था कि उसके लिए क्या लाना है और कब लाना है। कौन कौन है वेटर? एक खास वेटर था। कहाँ चल दिए हैं? सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा गलत नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता है। एक आदमी की जान इस वक्त बहुत मुश्किल में है, जो खुद भी जानता है अभी के अभी बता दे, वरना बाद में मत बोलना कि मैंने मौका नहीं दिया था। सर वो यहीं पे कुछ घंटे पहले था। ना बेटा कहाँ गया, अभी कहाँ गया? कट्टा फोन पे किसी को बोल रहा था कि मंदिर के पास। मंदिर? कौन सा मंदिर? ये नहीं पता है मुझे। पंकज ये वही जगह होगी जहाँ पे उस ट्रक की वजह से थोड़ी देर के लिए गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई थी। तो चेक करो मैप पे, वो उस एरिया में आसपास कहीं कोई मंदिर है क्या? सर यहाँ पे एक मंदिर है सर, और इस मंदिर से सीधे सीधे एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है। जंगल यही होगा वो। कट्टा भाई मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करूं? हाँ नोट कहाँ है, पैसे कहाँ है? अरे भाई कॉल। पांच करोड़ के रद्दी और अखबार, हाँ कल इसी अखबार में तेरा नाम छपेगा फ्रंट पेज पे बड़े बड़े अक्षर में कि तू भी तेरे भाई की तरह इस दुनिया में नहीं रहा। बोला था ना कि सट्टा और कट्टा दोनों सेहत के लिए हानिकारक है। कट्टा भाई, कट्टा भाई मुझे माफ कर दो। मैं वो सीआईडी वालों के बहकावे में आ गया था। मैं आपको पैसे देना चाहता था, मैं लेकर आ रहा था। बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब तेरे लिए दूसरे लोग रोएंगे। नहीं कट्टा भाई, नहीं कट्टा भाई। कट्टा किशोर, अखबार में किसी और का नाम छपवाने वाले थे। अब बन गए ना खुद कल के अखबार का हेडलाइन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.